आप ये बताइए साहब कि तर्जुमा क्यों जरूरी है? तर्जुमा क्यों जरूरी है? मुझे लगता है कि सब लोग जानते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं या किसी को की तहजीब जानते हैं, ये लोग क्या है, क्या कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और अगर तर्जुमा एक फन है जो मैं एक बार मैंने लिखा फेसबुक पर कि मुतर्जिम बहुत अहम है तख्लीकार से, तो बहुत हंगामा हो गया मेरी पोस्ट पर। कुछ लोग एतराज कर रहे थे कि नहीं, कैसे मुतर्जिम का दर्जा हो सकता है बहुत ज्यादा तख्लीक कार से या फनकार से, ये कैसा हो सकता है? तो क्योंकि मेरे तजुर्बे से ये बात जाहिर थी और तजुर्बा बहुत सख्त था। तो जब मैं कुछ लिखना चाहती हूँ एक तख्लीक कार के तौर पर की हैसियत से, तो मैं लिखती हूँ अपने अंदाज से, ये तो ठीक है। लेकिन जब मैं तर्जुमा करना चाहती हूँ और मतलब निकलना चाहती हूँ वो क्या कहना चाहते हैं, मतलब एक एक और जुबान में ये बात मुंतकिल करना बहुत मुश्किल, खास तौर पर उर्दू जुबान के हवाले से, क्योंकि उर्दू जुबान में बहुत मुहावरे हैं जो कभी समझ में नहीं आता कि क्या है, क्या है माना, क्या है, क्या कहना चाहता है। तो मैं समझती हूँ और अपने तजुर्बे से ये कह सकती हूँ कि तर्जुमा करते वक्त मुतर्जिम की बेवफाई बढ़ती है, ये बहुत बहुत जरूरी बात है, बेवफाई। क्योंकि अगर मुतर्जिम बावफा होता है तर्जुमा करते वक्त, तो तर्जुमा बदसूरत होता है। तर्जुमा वाह खूबसूरत होने के लिए थोड़ी सी बेवफाई होनी चाहिए मेरे ख्याल से, सही है, मैं ताकि मानता हम हाँ ताकि हम मतलब तर्जुमा कर सकते हैं जो तख्लीकार के जहन में क्या है, ये जो हमारे सामने है हम कैसे उसकी नकल कर सकते हैं एक और जुबान में जो कवाद की सतह पर, या सब कुछ मुख्तलिफ होता है दोनों जबानों के दरमियान। तो मुतर्जिम का हूँ दर्जा बहुत अहम है और तर्जुमा हाँ एक बहुत बड़ा फन है जो मुश्किल है और मतलब रियाजत की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, आसान नहीं है ये काम। नहीं आसान नहीं।